चैप्टर 21 मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो बेस 10 है उसका सब बेस के क्वेश्चन है। बेस वो होता है जो 10 या 10 की पावर 1, 2, 3 चलती है, मतलब जैसे 10 उसमें जीरो लगाएंगे तो 100, एक जीरो और लगाएं तो 1000, ये 10 बेस के सारे क्वेश्चंस होते हैं। सब बेस वो होता है जो 20, 30, 40, 50 ऐसे होते हैं, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत ही ईजी है। और हाँ, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आप 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं 28 और 23। तो देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन दो डिजिट हैं, 28 और 23। ये 20 के पास में, मतलब इनका सब बेस है वो कितना हो सकता है 20, या फिर 30 के पास भी मान सकते हैं। अपन इसको दो तरह से कर सकते हैं, 30 बेस मानेंगे तो भी हो सकता है और 20 बेस मानेंगे तो भी हो सकता है। ऐसे कई क्वेश्चन और आएंगे जिनके दो दो बेस सब बेस हो सकते हैं, अपन देखते हैं। एक बार इसको हम लोग 20 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 लिखते हैं, एक मल्टीप्लाई का निशान है। अब अपन यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है, तो 20 से 8 ज़्यादा है ये, और ये 20 से 3 ज़्यादा है, जैसा हम लोग पहले करते रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 जा 24, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में या तो इससे ये ऐड कर लें या फिर इसमें ये ऐड कर लें, एक ही डिजिट आएगी। तो आपका आया ये 31। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपको क्या, जीरो तो छोड़ दो, 2 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो 62, और ये जीरो बाद में लगा दो। अब इसमें आपको 24 ऐड करना है, ठीक है। तो ये 2 और ये यहाँ पर 4। अब आपका जो आंसर है वो है 644। कितना आंसर है आपका, 644। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 3229। तो दोनों डिजिट हैं वो 30 के सबसे पास में, बस यहाँ पे ध्यान रखना, वो देखते हैं एक बार। तो 30 इसका बेस है, कितना बेस है इसका 30, ये तो 30 से 2 ज़्यादा है और ये 30 से 1 कम है, तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। चाहो तो प्लस का यहाँ लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2 या 0, 2 लिख लो, एक ही बात है, लेकिन ये माइनस का साइन रहेगा। क्या साइन रहेगा आपका इसमें, माइनस का, क्यों, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का। अब 29 में 2 ऐड करें या 32 में -1 करें, एक ही बात है। तो कितना आया आपका 31। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से -2 करना है, ठीक है। तो एक बार जीरो तो आप भूल जाओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 को, तो 93, ये जीरो बाद में लगा दो। इसमें से माइनस कितना करना है, 2, आप मेंटली भी कर सकते हैं, तो 928। इतना आंसर आया आपका 928, क्लियर है। ऐसी माइनस आप मेंटली भी कर सकते हैं, छोटी जमा लो, यहाँ थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए नीचे लिखा हम लोगों ने, नहीं तो इसको मेंटली भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 33 × 33, एक तरह का ये स्क्वायर ये 33 का, तो स्क्वायर में भी इस तरह आप सीखेंगे, यहाँ भी सीख सकते हैं, मल्टीप्लाई की 2-3 टेक्निक हैं, आगे भी आपको मिलेंगी। तो ये 30 के पास में, तो पहले तो आप 30 यहाँ लिख लो ताकि कोई गलती नहीं हो आपसे। ये 3 ज़्यादा है 30 से, ये भी 3 ज़्यादा है, तो 3, 3 जा 9, और ये कितना, 33 में 3 ऐड करो तो 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखना है, ऐसे 30 और 33 आपको से ज़्यादा लग रहा है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 लगा देना, तो 3, 6 जा 18, 3, 3 जा 9, और 1 10 हो गया। 9 इसमें ऐड करना है और 1 0 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ये 0 लास्ट वाला है, इसमें आपको 9 ऐड करना है, 1, 0, 8, 9, ये 0 लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा, है ना। केवल 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, होना तो 30 से है, इजी कर लिए, पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लगाओ, 9 इसमें आपको ऐड करना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 मल्टीप्लाई करना आपको 41 से। अब आप देखेंगे ये दोनों है वो 40 बेस पे आ रहे हैं, तो आपका जो सॉरी सब बेस 40 है, तो ये आपका 40 आ गया। अब ये तो 40 से चार कम है और ये 40 में एक ज्यादा, ये इसका डिफरेंस आ गया। पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, लेकिन ये -4 लिखना है, ध्यान क्या रखना है आपको -4। अब आपको 36 में एक ऐड करेंगे तो 37 होता है, 41 में -4 करेंगे तो भी 37 होता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4 माइनस करना है, तो 0 एक बार भूल जाओ, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 14, और ये 0 लगाना है आपको लास्ट में। अब कितना माइनस करना है इसमें से 4, तो 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1 4 7 6। एकदम क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5, 45 × 46। इन दोनों का जो सब बेस है या जो आप एक बार बेस भी बोल सकते हैं चाहें, तो ये किसके नज़दीक हैं दोनों डिजिट? ये 40 के नज़दीक हैं, अच्छा 50 के भी नज़दीक हैं ये। आप चाहो तो 50 बेस से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 40 बेस से। चलो एक बार अपन 50 बेस से करके देखते हैं। तो ये आपने यहाँ पर 50 लिख दिया, ये तो -5 है और ये -4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस माइनस के, इसलिए डिजिट आएगा 20, लेकिन ये डिजिट प्लस का है ना, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। अब 46 में -5 करेंगे तो कितना आता है 41, या 45 में -4 करेंगे तो 41 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 बाद में लगा लो, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये 0 लगाना लास्ट में। अब 20 इसमें ऐड करना है तो 2 0 7 0, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसको मल्टीप्लाई करना 62 से। तो ये दोनों जो डिजिट हैं वो उनका सब बेस क्या रहेगा? 60, क्यों? दोनों बिल्कुल 60 के पास में, और सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 हो गया। अब ये 60 में एक कम है तो -1, ये 60 से 2 ज़्यादा है तो +2, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई साइन मत लगाओ तो भी प्लस ही होता है। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, लेकिन ये 2 किसके हैं? माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का लगता है। अब आप 62 में -1 करें या 59 में +2 करें, एक ही बात है, तो कितना आएगा 61, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में 2 माइनस करना है, तो एक बार 0 भूल जाओ, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, एक 0 आप लगा लो, -2 करना है तो 3 6 5 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इसको मल्टीप्लाई करना 62 से। तो ये किसके दोनों डिजिट किसके पास में? वो है 60, ये तो 7 ज़्यादा है और ये 2, ये जो डेविएशन या डिफरेंस है वो ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब 67 में 2 ऐड करेंगे तो 69 आता है, या 62 में 7 ऐड करेंगे तो भी 69, ये 60 ये 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 14 इसमें ऐड करना है। तो इस 0 को भूल जाओ, 6 से मल्टीप्लाई करो, 54 का 4 6 6 36 and 5 40 41, और ये 0 आपको लास्ट में लगाना है। अब इसमें 14 ऐड करना है तो 1 और ये 4, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 का 4 4 1 5 1 and 4 4154। यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, 67 × 73,
इसमें जो बेस है वो 70 है, क्योंकि ये 70 के पास में है, ये भी 70 के पास में, तो 70 यहाँ पर लिख दिया आपने। अब ध्यान रखना है कि ये तो माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 70 में 67 माइनस करेंगे तो 3 बचता है, ये 70 से 3 ज़्यादा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये 9 का आएगा आपका माइनस का 9 है, मतलब ये जो अब इसमें 73 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 9 करना है, तो 7 ये दोनों जीरो भूल जाओ एक बार, तो 7 7 49 और दो जीरो आपने बाद में लगा दिया, यहाँ तक क्लियर है। इसमें माइनस कितना करना है 9, वो आप कर ही सकते हैं 4 8 9 1, एकदम क्लियर है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम इजी हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन है आपका 75, इसको मल्टीप्लाई करना 78 से, ये दोनों किसके नज़दीक हैं, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक तो ये 80 के हैं, है ना, और 70 के भी नज़दीक हैं, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक हैं वो सब बेस लेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना ईजी होगा, तो ये 80 के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका माइनस 5 है और यहाँ पे माइनस 2 है, ये तो पता है ना क्यों से आया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10। और हाँ, माइनस माइनस के जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो कोई प्लस का साइन हो जाता है, इसलिए कोई साइन नहीं लगाएंगे तो ये प्लस कहलाता है। अब 75 में से माइनस 2 करेंगे तो 73, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इसको ऐड करेंगे, बहुत ईजी है। 8 का 0 है, ये तो भूल जाओ, 8 0 0 भूल जाओ, 24 8 3 24 56 57 58, और ये 0 बाद में लगा दो। इसमें 10 और ऐड करना है तो 5 8 4 0, इसमें 10 आपने और ऐड किया ये वाला, ठीक है। उम्मीद है ये सब बेस वाला मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, आगे जाके आप इसकी और भी टेक्निक सीखेंगे। ये आपको टेबल है 8 और 9 की, वो बच्चे तो आराम से कर लेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट इन कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, और इन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनिंग अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स और हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज की एकदम फ्री है, स्टडी मटेरियल नॉमिनल चार्ज पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू।